Hello students, today we are going to start with lesson number 7, A Stormy Adventure. This lesson is written by Anita Berry. This is lesson number 7 from your literature book. Pre-reading task, have you ever experienced a sea voyage? Do you think it is enjoyable, exciting, frightening, difficult? Why? क्या आप कभी समुद्री यात्रा पर गए हो? क्या ये एंजॉयबल होता है? बड़ा मजा आता है? एक्साइटिंग, बहुत ही एक्साइटिंग होता है, आपको जोश होता है कि सी वॉयज पे आप जा रहे हो? फ्राइटनिंग, डरावना होता है, या डिफिकल्ट, मुश्किलें आती हैं? ऐसा आपको क्यों लगता है? तो समुद्री यात्रा मुझे नहीं लगता बहुत सारे बच्चों ने की होगी, बट कम से कम समुद्री यात्रा वाले कोई ना कोई मूवीज या सीरियल्स जरूर देखे होंगे. तो यू कैन राइट योर आंसर, टिक योर आंसर एंड डिस्कस व्हाई इट इज सो. नेक्स्ट, डिस्कस द रीजन फॉर योर चॉइस विद योर फ्रेंड्स. यू मे टिक ओनली वन. कौन सा इनमें से आपको सही लगता है? एक सी वॉयज कैसी हो सकती है? एंजॉयबल, एक्साइटिंग, फ्राइटनिंग या डिफिकल्ट? और उसका रीजन आपने सोचना है. वर्क इन पेयर्स एंड राइट अ फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू द सी. नाउ दिस इज एक्टिविटी रिलेटेड टू सी. टू वर्ड्स आर गिवन, बाकी आपने सोच के लिखने हैं समुद्र में क्या क्या होता है समुद्री यात्रा पे अगर जा रहे हैं. तो सी वेव्स होती हैं, ये पानी जो समुद्र का है, वेव्स. शिप होता है, और क्या क्या होता है सी में, समुद्र में या समुद्री यात्रा पे जाते हुए, दैट यू कैन राइट हियर. नंबर 3, व्हाट डज द टाइटल अ स्टॉर्मी एडवेंचर सजेस्ट अबाउट द स्टोरी. आपका टाइटल है अ स्टॉर्मी एडवेंचर, इसका मीनिंग क्या है और इस कहानी के बारे में क्या आप आइडिया लगाते हो कि कैसी होगी ये कहानी. नाउ लेट अस डिस्कस द टाइटल अ स्टॉर्मी एडवेंचर. स्टॉर्मी मीन्स तूफानी, जिसमें तेज हवाएं और बैड वेदर, खराब मौसम होता है. और एडवेंचर मींस एक ऐसा साहस से भरा हुआ, जिसमें बहुत ही आपको करेजियस डीड्स करने पड़े, बहुत ही साहस से भरे हुए कारनामे करने पड़े, ऐसा एक इवेंट हो सकता है, एक मौका हो सकता है. नाउ रीड द स्टोरी ऑफ विशाल एंड रोहिणीज एडवेंचर जर्नी टू द फिलीपींस. विशाल और रोहिणी इसमें टू सिबलिंग्स हैं. विशाल की सिस्टर है रोहिणी, ओके? तो वो दोनों एडवेंचरस जर्नी पे जा रहे हैं और फिलीपींस जा रहा है शिप जिसमें वो जा रहे हैं. लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. द एम वी तृष्णा गेव अ जेंटल लर्च. एम वी तृष्णा इज द नेम ऑफ द शिप. शिप का नेम होता है, ओके? जैसे विक्रांत शिप का नेम है, तो इसी तरह से एम वी तृष्णा शिप का नेम है. गेव अ जेंटल लर्च. लर्च होता है झटका लगना, हल्का सा झटका लगा तृष्णा पे, शिप पे. नॉट सी सिक अगेन, एक्सक्लेम्ड विशाल. और विशाल ने कहा, फिर से सी सिकनेस फील हो रही है क्या? सी सिक मीन्स समुद्री यात्रा करते टाइम तबीयत खराब होना, चक्कर आना, उल्टियां आने को होना, दैट इज कॉल्ड सी सिकनेस. Exclaimed Vishal, looking at his younger sister Rohini in deep disgust. उसने अपनी छोटी बहन रोहिणी को जब disgust में देखा, अजीब से मूड में देखा, तो वो फिर कहता है, दोबारा से सी सिकनेस हो गई क्या? As she groaned and held her stomach, क्योंकि वो groaned, दर्द से कराह रही थी, उसको दर्द फील हो रहा था, और उसने अपना पेट पकड़ा हुआ था, उसको उल्टी लगने जैसी फीलिंग हो रही थी. Can't imagine why you came along at all. मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि तुम आई क्यों. You surely didn't think it would be smooth sailing all the time. ये तो तुम्हें भी पता होना चाहिए कि समुद्री यात्रा हर टाइम स्मूथ सेलिंग नहीं होती. इसमें झटके लगना, पानी के साथ, लहरों के साथ शिप ऊपर नीचे होना, ये सब हो सकता है. रोहिणी ओनली मेड एन inarticulate साउंड एंड disappeared अंडर द बेड clothes. रोहिणी कुछ नहीं बोली. inarticulate साउंड मीन्स एक ऐसी साउंड उसके मुंह से निकली जो जिसका कोई मीनिंग नहीं था. मीन्स दर्द से वो कराह रही थी, हाय ओ ऊ, इस तरह से कोई साउंड निकाली. और disappeared अंडर द बेड clothes, बेड पर
जो कपड़े पड़े हुए थे, चादर पड़ी हुई थी, उसके नीचे वो छुप गई, लेट गई। विशाल शुक हिज हेड इन एग्जास्परेशन। एग्जास्परेशन मीन्स मीनिंग इज गिवन एनॉयंस, चिढ़ गया वो, उसको चिढ़ हो रही थी कि रोहिणी जब सी सिकनेस फील करती है तो क्या जरूरत थी उसको शिप पे आने की। और एंड टर्न्ड टू लुक एट द कैलेंडर, और वो कैलेंडर की तरफ देखने लगा। टू डेज मोर टू गो बिफोर दे टच्ड लैंड, अभी दो दिन और थे जब तक वो धरती पे पहुंचते जहां पर उन्होंने जाना था, फिलीपींस जाना था, तो फिलीपींस पहुंचने में अभी दो दिन और टाइम लगना था। आई माइट एज वेल सी वट पापा इज डूइंग अप ऑन द ब्रिज, मैं चलकर देखता हूँ कि ऊपर, ऑन द ब्रिज मीन्स शिप के ऊपर वाले हिस्से को, यहाँ पे इसको ब्रिज बोलते हैं इस हिस्से को, कि पापा ऊपर ब्रिज पे क्या कर रहे हैं वो मैं देख के आता हूँ। ब्रिज ये एरिया जो साइड्स होते हैं शिप के, फ्रंट के साइड पे, ओके। तो वो अपने फादर को देखने के लिए जाने का डिसाइड करता है कि देखता हूँ पापा ऊपर क्या कर रहे हैं। शिप में ऊपर जो शिप होता है, ये देखिए शिप के यहाँ पे और नीचे ये कैबिन्स होते हैं, रूम जैसे छोटे छोटे रूम्स बने होते हैं, तो इनमें विशाल और रोहिणी थे, और वो सोचता है कि मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि पापा क्या कर रहे हैं। इस तरह से स्टेयर्स होती हैं कैबिन से ऊपर चढ़कर जाने के लिए। नेक्स्ट पेज, द तृष्णा वॉज ऑन हर वे टू द फिलीपींस, तृष्णा जो शिप थी वो फिलीपींस जा रही थी। द शिप वॉज कैरिंग अ स्पेशल कार्गो ऑफ फूड फॉर द पीपल ऑफ द स्मॉल आईलैंड इन द साउथ चाइना सी विच हैड बीन स्ट्रक बाय अ डेवास्टेटिंग टाइफून अ फ्यू डेज अर्लियर। अब शिप में एक स्पेशल कार्गो, कार्गो मीन्स सामान ले जाया जा रहा था, उसमें कार्गो ऑफ फूड, खाने पीने का सामान ले जाया जा रहा था उन लोगों के लिए जो कि साउथ चाइना सी में जो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, उन आइलैंड्स पर जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए सामान लेके जा रहे थे, खाने पीने का सामान। विच हैड बीन स्ट्रक बाय अ डेवास्टेटिंग टाइफून अ फ्यू डेज अर्लियर, और इन छोटे छोटे आइलैंड्स पे कुछ दिन पहले एक डेवास्टेटिंग मीन्स भयानक, बहुत ही तबाही मचाने वाला टाइफून, जो समुद्री तूफान होता है उसको टाइफून कहते हैं, उसने वहां पर तबाही मचाई थी, तो उन लोगों के लिए खाने पीने का सामान इस शिप में भेजा जा रहा था। दिस हैड स्वेप्ट इनलैंड, और ये जो टाइफून था ये इनलैंड मतलब कि उन आइलैंड्स पर, जमीन पर जहां पर घर थे लोगों के, वहां तक ये तूफान पहुंच गया था, लीविंग अ वायलेंट ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, और बहुत ही ज्यादा तबाही इस तूफान ने मचाई थी। विशाल एंड रोहिणी हैड डिसाइडेड टू अकंपनी देयर फादर कैप्टन कुमार दिस समर, इस बार समर सीजन में, ये समर सीजन था, विशाल और रोहिणी ने डिसाइड किया कि वो कैप्टन कुमार, अपने फादर कैप्टन कुमार के साथ, वो भी अकंपनी मीन्स उनके साथ जाएंगे। ऑल दो देयर मदर वॉज स्टेइंग बिहाइंड एज ग्रैनी वॉज अनवेल, और उनकी मदर घर पे ही रुक गई थी क्योंकि उनकी ग्रैनी, उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। द चिल्ड्रन हैड एन्जॉयड द सी पैसेज, पैसेज मीन्स रास्ता, समुद्री रास्ता, वो बहुत एन्जॉय कर रहे थे समुद्री यात्रा को, विद वीडियो मूवीज एंड बुक्स ऑन बोर्ड, और वीडियो मूवीज देख रहे थे, वीडियो गेम्स वगैरह खेल रहे थे, मूवीज देख रहे थे और बुक्स पढ़ रहे थे ऑन बोर्ड में, शिप के ऊपर उनके पास कैबिन में ये सब चीज़ें थी। बट नाउ द सी लुक्ड चॉपी एंड रोहिणी फेल्ट रादर सी सिक, लेकिन अब समुद्र जो था वो स्मूद नहीं नजर आ रहा था, चॉपी मीन्स नॉट स्मूथ, अब समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी और रोहिणी को सी सिकनेस फील हो रही थी समुद्री यात्रा में, उसकी तबीयत खराब हो रही थी, ये आप देख सकते हैं रोहिणी। नेक्स्ट, विशाल क्लाइम्ब द लैडर अ लिटिल अनस्टेडिली एज द शिप गेव एन अनएक्सपेक्टेड रोल, और अभी विशाल जब सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो अनस्टेडी हो गया, अचानक से लड़खड़ा गया, गिरने को हो गया, क्योंकि शिप अचानक से ही, अनएक्सपेक्टेड, अचानक से ही रोल मीन्स एक तरफ को लुढ़क गई, मीन्स कोई ऊंची लहरों के ने शिप को एक साइड में हिला दिया। गेटिंग योर सी लेग्स लैडी, लैडी यहाँ पर लड़के को कहते हैं, लैड कहते हैं ना लड़के को, तो लैडी यहाँ पर छोटे लड़के। गेटिंग योर सी लेग्स लैडी, ग्रिंड चीफ ऑफिसर हु वॉज कमिंग डाउन,
चीफ ऑफिसर, यहाँ पिक में देखें ये स्टेयर्स पे नीचे आने वाला था और यहाँ विशाल जाने लगा सीढ़ी के ऊपर से, तो अचानक शिप में झटका लगा और वो गिरने लगा। तो उस टाइम पे वो गिरते गिरते जब संभल रहा था तो इन्होंने, जो चीफ ऑफिसर है, इन्होंने विशाल को कहा, गेटिंग योर सी लेग्स लैडी। सी लेग्स मीन्स, गेटिंग सी लेग्स का मीनिंग है समुद्री यात्रा में अपना बैलेंस बनाना सीख रहे हो। ओके, अच्छा बैलेंस बना रहे हो लड़के। ग्रिंड मीन्स स्माइल करते हुए, हंसते हुए कहा, यू आर क्वाइट अ सी मैन रियली विद दैट रोलिंग गेट। रोलिंग मीन्स लड़खड़ाते हुए, ऊपर नीचे होते हुए, गेट मीन्स चाल, ऐसे लड़खड़ाती हुई चाल में तुम पूरे सी मैन, समुद्री जहाज पर काम करने वाले आदमी की तरह से लग रहे हो। विशाल ट्राइड टू लुक मॉडेस्ट, और विशाल ने इस चीज का बुरा नहीं माना, रिस्पेक्टफुल मूड में ही उसकी तरफ देखता रहा। आउटसाइड द स्टफी अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मीन्स कैबिन, जहां पे रहना रह सकते हैं, कमरा। ओके, स्टफी मीन्स जो टाइट सा था, ठीक है, क्योंकि शिप में छोटे छोटे कैबिन्स होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, तो वो बहुत ही बंद बंद से लगते हैं। तो उस बंद से कमरे से के बाहर द सी एयर वॉज फ्रेश एंड वेट, तो बाहर की हवा ताज़ा और गीली थी, क्योंकि लहरों से पानी जो उठता है उससे वो बौछार सी उस पर डेक के ऊपर आ जाती है। विशाल टुक अ डीप ब्रेथ, देयर वॉज अ स्प्रे ऑफ वाटर ऑन द डेक एज ही क्रॉस्ड हिज वे जिंजरली टूवर्ड्स हिज फादर इन द व्हील हाउस। और जब विशाल अपने डेक के ऊपर, डेक होता है ये शिप के ऊपर जो एरिया होता है, यहाँ पे देखें शिप के ऊपर ये जो एरिया साइड्स में चलने का होता है, इस नेक्स्ट पिक में देख सकते हैं, ये पूरा एरिया यहाँ पे डेक होता है जिस पे आप शिप को ऊपर यहाँ खड़े होकर समुद्री लहरें देख सकते हो। तो डेक पर चलते हुए विशाल जब जिंजरली मीन्स लड़खड़ाते हुए थोड़ा सा संभल संभल के चल रहा था, जिंजरली यहाँ पर है अपना बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करके चल रहा था, और अपने पापा जो कि व्हील हाउस में थे जहाँ पर स्टीयरिंग होता है, शिप को कंट्रोल करने का कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पर उसके फादर थे, तो उस तरफ जब वो बढ़ रहा था तो पानी का एक स्प्रे डेक के ऊपर गिर रहा था, हवा और लहरों के साथ पानी के स्प्रे गिर रहे थे, बूंदे छींटे गिर रही थी। Now see the next page. Captain Kumar had a worried look on his face. Captain Kumar, जो कि विशाल और रोहिणी के फादर थे, वो थोड़े परेशान नजर आ रहे थे। He was staring restlessly at the barometer, which had fallen steeply. और वो staring means continuously देख रहे थे, घूर घूर के देख रहे थे। Restlessly means बेचैनी से। Barometer जो कि मौसम का आप हाल बताते हैं, वो मशीन कि कैसा तापमान है, टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, तो ये टेम्परेचर बैरोमीटर अचानक से स्टीपली एकदम से नीचे गिर गया था, मींस मौसम खराब होने का इंडिकेशन वहाँ पे नज़र आ रही थी। तो कैप्टन कुमार वरिड हो गए, परेशान हो गए। ही लुक्ड अप एट विशाल, उन्होंने विशाल की तरफ देखा, वेल इट लुक्स लाइक वी आर इन फॉर रफ वेदर सून, और विशाल को देख के उन्होंने कहा, लगता है जल्दी ही खराब मौसम होने वाला है। इट्स टाइफून टाइम इन दीज पार्ट्स, इन एरियाज में टाइफून नाम का तूफान चल रहा है। यू नो समथिंग इज ब्रूइंग, कुछ ना कुछ समुद्र के नीचे हलचल मच रही है। ब्रूइंग मीन्स कुछ शुरू होने वाला है, अबाउट टू स्टार्ट है, कुछ हलचल हो रही है समुद्र के नीचे कहीं। स्पार्क्स द रेडियो ऑफिसर रश्ड टुवर्ड्स द कैप्टन विद अ शीट ऑफ पेपर, और स्पार्क्स, मिस्टर स्पार्क्स है एक पर्सन का नाम जो कि रेडियो ऑफिसर है। रेडियो मीन्स शिप में या फिर एरोप्लेन में जहां पर जमीन पर ऑफिस, हेड ऑफिस होता है, कंट्रोल रूम होता है जहां से शिप चला है, तो वहां के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखने के लिए रेडियो यूज़ किया जाता है। रेडियो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कंट्रोल रूम में, ज़मीन पर जो कंट्रोल रूम होता है उसमें कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तो रेडियो ऑफिसर कैप्टन कुमार की तरफ एक शीट ऑफ पेपर, एक कागज़ लेकर दौड़े आए। वेदर रिपोर्ट फ्रॉम मनीला सर, और वो कहते हैं कि मनीला से वेदर रिपोर्ट आई है सर। तो ये पेपर जो था प्रिंट आउट निकाल के वो लेके आया है कि सर ये रिपोर्ट आई है मनीला से। जस्ट व्हाट आई सस्पेक्टेड, टाइफून एलसी इज डीपनिंग इन द पैसिफिक ओशन,
एंड मूविंग स्लोली इन अ नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन. कैप्टन कुमार कहते हैं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे मुझे शक था, जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हो रहा है. टाइफून एलसी नाम का जो तूफान है वो डीपनिंग मीन समुद्र में नीचे की तरफ डीप गहराई में जा रहा है पैसिफिक ओशन में, और धीरे धीरे समुद्र के पानी के नीचे नीचे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ता हुआ चला आ रहा है, जिधर उनका शिप है उस तरफ आ रहा है. एंड इट्स प्रेजेंट स्पीड एट इट्स प्रेजेंट स्पीड इट विल पास 70 माइल्स अवे फ्रॉम अस विद इन 24 आवर्स. और अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो यह 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में हमसे 70 मील की दूरी से गुजर जाएगा, हमारे शिप की तरफ नहीं आएगा. टू क्लोज फॉर माय लाइकिंग, ठीक है कि तूफान ज्यादा नजदीक भी नहीं आएगा, जितना हमें लग रहा था उतना नजदीक नहीं आएगा, लेकिन टू क्लोज, समुद्री जो मील होते हैं 70 माइल्स बहुत ज्यादा दूर नहीं होते, तो टू क्लोज ज्यादा ही नजदीक भी है फॉर माय लाइकिंग, जैसा मुझे लग रहा है. ही शुक हिज हेड ग्रिमली. ग्रिमली मीन्स सीरियसली. अब समुद्री 70 माइल्स हैं, जमीन के 70 माइल्स बहुत दूर होते हैं लेकिन समुद्र के 70 माइल्स नज़दीक होते हैं, तो कैप्टन कुमार कहते हैं बहुत नज़दीक है. और उन्होंने सीरियसली अपना सिर हिलाया. इट्स इम्पॉर्टेंट टू रीच मिंडाओ बाय मंडे विद आर फूड स्टॉक्स. हमें मंडे तक ही अपने फूड का स्टॉक, सारा सामान लेके, खाने पीने वाला ये जो सामान शिप में है वो लेके मंडे तक मिंडाओ नाम की जगह तक पहुंचना होगा. द पीपल आर स्टार्विंग ऑलरेडी. वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं. स्टार्व STARVE स्टार्व होते भूखे मरना, भूख से तड़पना. ही रीच्ड आउट अर्जेंटली फॉर द फोन. और वो भाग कर फटाफट फोन की तरफ लपके. सिक्योर एवरीथिंग ऑन डेक, लैश द कार्गो. और उन्होंने कहा डेक के ऊपर जो भी सामान है उसको सिक्योर, सुरक्षित कर दो हर चीज को, ये सामान जो है कार्गो उसको लैश कर दो, मीन्स रस्सियों के साथ, जंजीरों के साथ बांध दो. शिप की वेव्स, शिप को जब वेव्स ऊंचे नीचे करती हैं तो कार्गो जो सामान डेक पर रखा होता है वो हिल हिल के इधर उधर पहुंच जाता है. तो कैप्टन कुमार ने ऑर्डर दिया कि इस सारे सामान को लैश कर दो, बांध दो. विल कंटिन्यू विद द टॉपिक.